हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन शिवरात्रि 19 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है। शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन सावन में आने की वाली जो शिवरात्रि है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन शिव को बहुत प्रिय है। भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में पड़ने वाले हर त्यौहार शिव पूजा के लिए खास माने जाते हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। आज हम जानेंगे सावन शिवरात्रि पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे भोग लगाना चाहिए। तो सावन शिवरात्रि से जुड़ी हर बात जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस माह 19 जुलाई रविवार को सावन की शिवरात्रि है। इसी दिन आद्रा नक्षत्र भी पड़ रहा है। सावन की शिवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, और विशेष पूजा अर्चना की करके व्रत रख के भगवान भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत और पूजा वैसे तो सभी कर सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, वो तो एक जल लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन शिवरात्रि पर यदि अविवाहित पुरुष या कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं तो इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शिवरात्रि व्रत करने से उन्हें मनचाहा वर या मनचाहे पत्नी मिलती है। वहीं जिन कन्याओं के विवाह में या जिन विवाहित अविवाहित पुरुषों की विवाह में समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उन्हें सावन शिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब जानते हैं सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का समय। दोस्तों, इस सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए शुभ समय है 19 जुलाई की सुबह 5:40 से 7:52 तक, और प्रदोष काल में जलाभिषेक करना काफ़ी शुभ रहता है। ऐसे में 19 जुलाई की शाम के 7:28 से रात के 9:30 तक प्रदोष काल में जलाभिषेक भी किया जा सकता है। अब जानते हैं शिवरात्रि की पूजा सामग्री। महादेव की प्रतिमा के स्नान के लिए तांबे का पात्र, लोटा यानी कि कलश, दूध, अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, चावल, अष्टगंध, दीपक, तेल और रुई, धूपबत्ती, चंदन, धतूरा, अकवा के फूल, बिलपत्र, जनेऊ, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिला हुआ पंचामृत, सूखे मेवे, पान और दक्षिणा, ये सभी चीज़ें शिवरात्रि के दिन पूजा में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा जरूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान शिव का वास माना गया है, और पीपल के पेड़ के ऊपरी हिस्से में भगवान शिव का वास होता है। पीपल के वृक्ष में ही शनि देव भी विराजते हैं, इसलिए पीपल की पूजा करने से शनि के प्रकोप से भी रक्षा होती है। लिंग पुराण में बताया गया है कि शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से उम्र बढ़ती है। इसके अलावा शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन अगर आप 1,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके सारे पापों से आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही आप रोग और दोष से भी मुक्त हो जाते हैं, और नकारात्मक शक्तियों से
आपके और आपके परिवार की रक्षा होती है। इसलिए आज के दिन यानी कि महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, सावन शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को तिल चढ़ाने से संपूर्ण पापों का नाश होता है और इसके अलावा शिव को गेहूं से बनी हुई वस्तुओं का भोग अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा सुख समृद्धि पाने की आकांक्षा से मूंग का भोग लगाएं और वहीं आप मनचाह वर पाने के लिए चने की दाल का भोग भी लगा सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि रुद्राभिषेक करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसमें छेद नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा तीन पत्ते वाले बेलपत्र चढ़ाने चाहिए जो सॉफ्ट हों, कोमल हों और कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र पर किसी भी तरह का वज्र या चक्र का निशान भी नहीं होना चाहिए। पत्ते में सफ़ेद दाग, चक्र और डंठल में जो गांठ वज्र है वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र उल्टा करके ही चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र के साथ आंकड़े के फूल भी अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र और सफ़ेद आंकड़े के फूल बेहद प्रिय हैं, तो अगर आप बेलपत्र के साथ आंकड़े के फूल भी चढ़ाते हैं तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेलपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय है। इन चीज़ों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि में ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शाम को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए और शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, तो गंगा जल भी अवश्य ही चढ़ाएं। अब दोस्तों जानते हैं कि शिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त क्या है। निश्चित काल पूजा है 20 जुलाई सुबह 7:10 पर। व्रत का पारण का समय है 20 जुलाई सुबह 5:36 पर और चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 19 जुलाई रात के 12:41 पर और 20 जुलाई रात के 12:10 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। तो ये था सावन शिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त। अब जानते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों शिवरात्रि व्रत में विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। इस व्रत के एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि को ही व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। फिर व्रत वाले दिन सुबह नित्य कर्म के पश्चात व्रत का संकल्प लें और शाम के समय स्नान के पश्चात शिव की विधिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें और व्रत का समापन करें। और इस दिन मंदिर या घर पर ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की भी परंपरा है। पूजा के समय भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग धतूरा, गंगा जल और भांग, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, धूप ये चीज़ें अर्पित करें। अब जानते हैं व्रत के बाद पारण करने के नियम। दोस्तों सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए और इसके बाद रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव जी की पूजा करें। इसके बाद अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस दिन महिलाएं सुख सौभाग्य के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं और अविवाहित पुरुष और अविवाहित कन्याएं श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करती हैं ताकि उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति हो। और इस दिन शिवलिंग पर दूध की धारा से
अभिषेक करते हुए आपको मैं एक मंत्र बता रही हूँ। उस मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध की धारा से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के सिद्ध मुहूर्त में शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करवाकर स्थापित करने से व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। और सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन काले वस्त्र न धारण करें, और मतलब काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में या तो सफ़ेद वस्त्र या फिर ग्रीन या फिर वाइट कलर के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन व्रत रखे हुए हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करें और उनका भजन गाएं। जो व्रत नहीं रख सकते तो वो लोग भी घर में तामसी चीज़ें ना खाएं, जैसे मांस मदिरा का सेवन ना करें, इन चीज़ों से बचें। और दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजन के बाद ही व्रत खोलें, यानी कि जो व्रत रख रहे हैं वे इन बातों का खास ध्यान रखें। और जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो उन्हें भी तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और जिन्होंने व्रत रखा है वो दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ का और माँ पार्वती के पूजन के बाद ही व्रत को खोलें। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के अवसर पर बाबा धाम देवघर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। कोरोना संकट के बीच आम लोगों के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है। श्रद्धालु भक्त भगवान भोलेनाथ का लाइव दर्शन कर सकेंगे और पूजन भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। और वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव।